हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट रबड़ी मालपुआ की रेसिपी, जो कि बनेगी मिनटों में। और ना ही हम इसमें यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही का, और ना ही इसे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम बनाएंगे बस मिनटों में। तो चलिए अपनी रेसिपी को, हम इंस्टेंट वाली रबड़ी मालपुआ की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप मैदा। हमने जो मैदा ली है 1 कप, इसे हम एक ग्राइंडर के जार में डाल देंगे और सेम कप के मेजरमेंट से हम लेंगे 1 कप मलाई। यहाँ मैंने 1 कप मलाई ली है, जिसे हम सेम मिक्सिंग जार में यहाँ पे डाल देंगे और इन दोनों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे ये पूरा मिक्सचर एकदम मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, मैदा और मलाई को। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा बैटर है ये बहुत थिक है, हमें थोड़ा पतला बैटर चाहिएगा मालपुआ के लिए। तो चलिए हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में पहले इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो मिक्सचर है उसे यहाँ पे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है और अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मैंने 1/2 ही मिल्क ऐड किया है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसे मिक्स कर लिया है, बट अभी भी जो बैटर है वो थोड़ा थिक है, हमें इसकी कंसिस्टेंसी पूरी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की चाहिए। तो ये जो बाकी का मिल्क बचा है मैं इस पीस में ऐड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे जो मालपुआ का बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और तब तक हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है 1 कढ़ाई और मैं इसमें ऐड करूँगी सेम कप के मेजरमेंट से 1 कप वाटर और सेम कप के मेजरमेंट से 1 कप शुगर भी। तो पानी को थोड़ा बॉयल होने दीजिए, फिर हम इसमें शुगर डाल देंगे। तो यहाँ मैं 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी में, और शुगर को मेल्ट होने तक हम ऐसे चलाते रहेंगे। और हमें जो चाशनी है वो 1 तार या 2 तार, मतलब 1 स्टिंग या 2 स्टिंग की नहीं चाहिए, बस शुगर मेल्ट होने तक ही इसे हम बॉईल करेंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो इसे पहले मेल्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है और ये पूरा बॉईल हो रहा है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। अब हम इसमें थोड़ी सी कूटी हुई इलायची डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो शुगर सिरप है मालपुआ के लिए वो बिल्कुल बनकर रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब चलते हैं मालपुआ की तरफ। तो हमारा जो मालपुआ का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है, ये देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का आप देख रहे हैं ना। यहाँ आप चाहे तो इसमें सौंफ या फिर ब्लैक पेपर जो होती है उसे ऐड कर सकते हैं, बट बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है कुछ भी, तो मैं इसे प्लेन ही बनाऊँगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम उसमें इसे एक एक करके डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल गर्म हो गया है और अब हम एक एक चम्मच जो भर के है वो डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अभी आप इसे बिल्कुल भी टच नहीं करें, इसे पीछे से थोड़ा सिकने दें। यहाँ एक और डाल लेंगे। और यहाँ फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम ही रखा है। तो यहाँ मैंने एक बार में 3 ही डाले हैं, जब ये थोड़े गोल्डन हो जाएंगे तब हम इन्हें चेंज करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सिक गए हैं। तो अब मैं इन्हें चिमटे की सहायता से धीरे से ऐसे पलट दूंगी और पीछे से भी हम इन्हें थोड़ा सा
पकने देंगे और फिर हम इन्हें शुगर सिरप में डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिए, ज़्यादा रखेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, तो थोड़ा इसके सिकने का वेट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम इन्हें शुगर सिरप में डाल देंगे। इसको थोड़ी देर यहाँ पे इसके ऊपर रख लीजिए जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इन्हें शुगर सिरप में डाल दिया है। थोड़ी देर के बाद हम इन्हें पलट देंगे और फिर इससे बाहर निकाल लेंगे जिससे जो मीठापन है इनके अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। अभी हम कुछ और बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इन्हें शुगर सिरप में से निकाल लिया है और ये बहुत ही लजीज लग रहे हैं। तो मैं अभी दो तीन और बना के दिखाती हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको दो तीन और बना के दिखाती हूँ। बस एक बात याद रखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल फ्लोइंग होनी चाहिए जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अभी इसे आप बिल्कुल भी टच नहीं करें वरना ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इन्हें थोड़ा सा गोल्डन होने तक पकने दें और फिर हम इन्हें एक चिमटे की सहायता से ही पलटेंगे। और मैंने इसमें जो दूध और जो मलाई का मिक्सचर किया है इससे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप खोआ का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर में मलाई थी तो मैंने मलाई का यूज़ किया है। तो चलिए पहले इन्हें भी सिकने देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ ये भी बन के रेडी है। अब हम इन्हें भी चिमटे की मदद से चेंज कर लेते हैं। एक बात का ध्यान रखें, इसे बीच में ही ना पलटे, नहीं तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो इन्हें थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन होने देते हैं और फिर इन्हें भी हम शुगर सिरप में डिप कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये भी बन के रेडी हैं और इन्हें भी मैं शुगर सिरप में डिप करने वाली हूँ। बस चिमटे की सहायता से इसे इस तरह से पकड़ के थोड़ा झाड़ लें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और यहाँ पे जो कढ़ाई रखी है मैंने, उसमें मैं डिप करती जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट मालपुआ बनकर रेडी है। यहाँ पे थोड़ा बैटर और भी बच गया है, इसे मैं बाद में बनाऊँगी। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि मैं रबड़ी वाले मालपुए बना रही हूँ, तो यहाँ मालपुए बनकर रेडी है। और यहाँ पे मैंने रबड़ी पहले से ही बना के रखी थी। ये मैंने 1 लीटर मिल्क की रबड़ी बनाई थी जो कि देखिए इतनी बनी है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है और थोड़ी सी इलायची। बस आप अपने मीठे के जिस तरह से आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शुगर ऐड करें। तो चलिए अब हमारा जो मालपुआ है उसके ऊपर रबड़ी को थोड़ी हम लगा देते हैं इस तरह से, जिससे ये और भी टेस्टी लगेंगे। ये इतने लजीज, इतने टेस्टी बनते हैं, जब आप खुद बनाएंगे तो आप जानेंगे। और बहुत ही सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट के साथ मैंने इन्हें बनाया है। यहाँ पे ना आपको इनो की ज़रूरत है, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, और ना ही आपको किसी दही या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। बस मिल्क और मलाई और मैदे से बनाइए, इतने टेस्टी कि जिसे आप खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। देखिए यहाँ पे रेडी हो गए बनके। और अब ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को गार्निश करेंगे। यहाँ पे बस मैं थोड़े से आलमंड को गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पिस्ता या फिर अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे बहुत ही टेस्टी रबड़ी वाले मालपुआ बनकर रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इसे अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और जो पास वाली बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए मेरे
वीडियोस की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगी। तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।